शर्मनाक तो ये है कि अगर चीन के बॉर्डर पे ये सब लगा होता तो शायद इंकर्जन होता ही नहीं, अंदर वहाँ से लोग आते ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, आप पैन कीजिएगा कैमरा और दिखाइएगा, क्योंकि हम बहुत राइट इन फ्रंट ऑफ दैट वायरिंग जो भी हुई है वहाँ पे, उसके सामने मैं खड़ी हूँ। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप दुश्मनों के लिए ऐसा करते थे, यू नो, अगर जैसे पाकिस्तान के लिए करो या चीन हमला कर रहा है, कोई भी इस तरह के जो नेटिव हमारी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपने ही देशवासियों के लिए, अपने ही, वो भी सबसे बड़ी बात, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए जब इस तरह की बात करते हो, तो इससे बड़ी शर्मनाक और लानत मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। अगर आप पुलिस इंतजाम कर रही है, सुरक्षा बढ़ा रही है, तो आप उनको सवाल खड़े कर रहे हैं? हमने कब सवाल खड़े किए? हम 26 तारीख को आप ही कह रहे हैं कि लाल किले में जब पुलिस कहाँ थे, जब लाल किले में प्रदर्शनकारी घुस रहे थे, तो प्रदर्शनकारी, एक सेकंड, हम, आप कैसे कह सकते हैं अभी तक? इसीलिए तो लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि 26 तारीख को जो भी हुआ, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता कि 26 तारीख को हुआ क्या, सब कोई उस चीज़ का सच जानना चाहता है। कोई यहाँ से कह रहा है कि उनके लोग थे, यहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि किसान थे, सच किसी को नहीं पता। डिफरेंट डिफरेंट फोटोज वायरल हो रही हैं, देखिए लोग थे, मिसगाइडेड था पूरा मूवमेंट। 26 तारीख का कुछ ऐसा हुआ कि जो हमें भी सुनने में आया कि जो रूट दिया गया था उसमें बैरिकेडिंग थी। जैसे अगर आप यही रूट देखें जो गाजीपुर से जो रूट जा रहा था उसमें भी बैरिकेडिंग थी। जब आपने वो रूट दिया है खुद से, आपने कहा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्टर है ना, आपके देशवासी है ना, तो जब देशवासी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं अपने ही देश में, अपनी ही सड़कों पर, तो जब जा रहे हैं तो आप बैरिकेड क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों रोक रहे हैं? अगर आप रोकते नहीं तो वो पीसफुली जाते। तो वो ऐसा माहौल दहशत का आपने पहले ही बना दिया कि आपने पहले ही लोगों को रोक दिया, बैरिकेड्स लगा दिए, लोग उसमें आ गए, क्योंकि एक यू नो यूथ है और इसमें बहुत एक लेवल के एज ग्रुप, सुनिए एज एक खराब हो सकता है किस तरीके, मतलब अगर वो बार बार कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हो सकता है? आज इन किसान को 2 महीने, आई थिंक 10 दिन हो गए हैं, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? किसानों ने क्या किया? एक 26 को नहीं, आप ये नहीं बोल सकते 26 को, ठीक है हम मानते हैं कि 26 को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सबको, मुझे लगता है कि जो भी आज यहाँ पे बैठा है वो बहुत दुखी है उस बात से कि 26 को जो भी निकल के आया, हमें भी उस चीज़ की पीड़ा है कि जो एक नैरेटिव जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, क्योंकि एवरीवन वाज स्केर्ड कि कहीं ऐसा ना हो 26 को जो फैसला किया कि 26 को मूवमेंट में कुछ इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अंदर आके इस पूरे मूवमेंट का नाम खराब कर दें, इस पूरे मूवमेंट को अपना एजेंडा सक्सेसफुल कर लें कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है, ये ना हो जाए। और वो आई थिंक कहीं कहीं ना कहीं हद तक सरकार उसमें सक्सेसफुल हो गई अपने एजेंडे में, बट उसके बाद जो मूवमेंट बंदा है वो आप सबने देखा है और मुझे आई थिंक उस पर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी पत्रकार होने के नाते आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को ध्यान में रखें सवाल करते समय कि आपके देशवासी हैं, ये अन्नदाता है, ये 60 दिन से ऊपर आंदोलन हो गया, 2 महीने प्लस ये आंदोलन चल रहा है, अभी तक क्या किसी को छेड़ा है? अभी तक किसी के साथ कोई छेड़खानी हुई? अभी तक किसी के साथ कोई तू तड़ा कोई बदतमीजी हुई? हम लोग भी तो आते हैं ना महिला होने के नाते, बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आंदोलन में कोई ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, ये अपने हकों के लिए यहाँ पे बैठे। इनको इनके जो बिल्स हैं, वही मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी जो इतना भला करना चाहते हैं ना, कह रहे हैं इस बिल में किसानों का भला छिपा है, यही कह रहे हैं ना, किसान कहता है ऐसा भला नहीं चाहिए। तो मोदी जी ऐसा करो, अपने एटीट्यूड और अपनी अकड़ से ना, जो किसानों का भला आप करना चाहते हो ना, किसानों को उससे वंचित कर दो, मत करो किसानों का वो भला, ठीक है ना? तो आप ऐसा करो कि किसानों को ऐसी सजा दो, वो बिल फाड़ के फेंको और वो भला मत करो, वो प्रॉफिट मत दो। बिल्कुल नहीं, कोई किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। पुलिस तब संयम क्यों नहीं बरतती है? तब संयम जब कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जब आते हैं और वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया से हमने इन्फॉर्मेशन लिया, जो हमने सच देखा है। देखिए सोशल मीडिया की ताकत है ना, जो आज ये आंदोलन चल रहा है और जो माइग्रेशन हुआ था वापस और रिवर्स माइग्रेशन दोबारा सिटी में हो गया, तो जब हम उन पिक्चर्स में देखते हैं, इसका जवाब आप सरकार से क्यों नहीं पूछते, इसका सवाल आप पुलिस वालों से क्यों नहीं पूछते कि तब जब एंटी सोशल एलिमेंट्स आके पथराव करते हैं किसानों पर, तब वो चुप क्यों खड़े होते हैं? क्या हमें दुख नहीं लगता ये सब चीज़ें देख के? हमारी सुरक्षा के लिए आप खड़े हो ना, तो हम अगर आपको वहाँ पर खड़े होकर एक नज़ारा देख रहे हैं और कुछ लोग पथराव कर रहे हैं, लकड़ी कर रहे हैं, महिलाओं की यू नो दुर्दशा कर रहे हैं, तो हमें भी दुख लगता है इस चीज़ का। निवासी बताया जा रहा है ना, वो परेशान है, रोड ब्लॉक है, बंद। किसने कहा, कह दिया आपको? हम भी बड़े सारे इंटरव्यूज ऐसे सोशल मीडिया पे देखते हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम तो इनके सपोर्ट में हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि इन लोगों का समाधान हो। ये समाधान तो सरकार कर सकती है ना, सरकार जितनी जल्दी इस पर निर्णय ले, जितनी जल्दी इसको सॉल्व करे, उतनी जल्दी जो लोकल्स हैं वो भी खुश, वो भी परेशान नहीं होंगे, धरना भी हट जाएगा, ये लोग भी अपने घर चले जाएंगे। कौन से दो कदम? जो सरकार अपने तरीके से दो कदम हट रही है, अभी भी तोमर जी का आपने बयान सुना होगा कि हम वार्तालाप करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस पर अड़े हुए हैं जो हमने कहा
कहा था उसमें हम निगोसिएशन नहीं करेंगे। जो हमने पहले कहा था अगर आपको वो अर्जियां मंजूर है तो आप आ सकते हैं डिस्कशन के लिए, वरना हमारे पास स्पेस नहीं है उस चीज का। तो इसको हम मॉडिफिकेशन नहीं कहते जी। देखिए कितनी, बिल्कुल हम उनकी इस चीज़ का अप्रिशिएट करते हैं। ये बात कही, किसान भी कह रहे हैं कि कितनी वार्तालाप, अब आजकल डिले और डिनाइंग कितना, आप अभी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम नाउ कि कितना इस चीज़ को और खींचेंगे। ठंड से गर्मी आ गई, अभी तक आप इस चीज़ को खींचते जा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि उनको भी ये चीज़ सोच के एंड करना चाहिए इस डिस्कशन को और ख़त्म करना चाहिए उस चीज़ों को। तो ये पीएम के हाथ में ही है ना, अगर वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि मैं रेडी हूँ सस्पेंशन के लिए, ये जो बिल है 3 बिल की, तो करो ना, किसने रोका आपको? आपके पास तो इतनी पावर है, भले वो चाहे बिल को सस्पेंशन करना हो, चाहे वो 26 का जो हादसा हुआ उसके बारे में पता लगवाना हो। हमने तो जैसे आपने सवाल किया इन पत्रकार महोदय ने कि 26 को जो हादसा हुआ, हम तो कह रहे हैं सरकार के पास पावर है ना, 250 लोगों का सस्पेंशन किया ना ट्विटर अकाउंट, तो सरकार के पास इतनी पावर है तो 26 के तारीख जो हफ्ता पहले की लिस्ट निकाल दो, कॉल डिटेल्स निकाल दो, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाल दो, पता चल जाए कि कौन वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जिन्होंने वहां पे किया, सारी डिटेल्स सारी वीडियो रिपोर्ट्स आपके पास है, ले आओ जनता के सामने सबूत, प्रूफ ले आओ, हम भी देख के खुश हो जाएंगे कि इन्होंने किया, हमें भी तो पता चले कि एंटी सोशल एलिमेंट वहां है कि यहां पे भी लोग बैठे हुए हैं, हम भी सतर्क हो जाए इन चीजों से, हमें भी पता चल जाए। तो ये होना चाहिए ना, तो सरकार अपनी पावर को सही जगह यूटिलाइज करे। कौन सी क्या चीज बताई है पुलिस ने? 26 तारीख से 2 दिन पहले से पुलिस कह रही है कि 350 अकाउंट ऐसे मिले हमको जो कुछ भी कर सकते हैं ट्रैक्टर परेड में, आप ट्रैक्टर रैली मत करिए। कौन से अकाउंट्स मिले हैं, किसके अकाउंट्स है वो? जिनका संबंध पाकिस्तान से पाया गया, कहीं से पाया गया। अच्छा, तो मतलब मुझे एक बात बताइए, उनका संबंध पाकिस्तान से पाया गया तो पुलिस वहां पे, जब हमने जो वीडियोस देखी हैं, जो वीडियोस वायरल हुई हैं या जहां से इन्फॉर्मेशन आप ही जैसे लोग हमें लाकर देते हैं, तो फिर वो मुखबंदी वो खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे थे? फोर्स वहां पे एप्रोप्रिएट फोर्स क्यों नहीं थी वहां पे? जब लाल किले में भी ये सुनने में आया कि जो लोग गए वहां पे वो लोग बता रहे थे कि पुलिस वहां पे एप्रोप्रिएट नहीं थी, वहां पे सेना एप्रोप्रिएट नहीं थी। देखिए देखिए देखिए, हाँ वो मैंने बिल्कुल वीडियो देखी है, वो चीज़ बड़ी दुखद भी है कि वो जो वीडियो थी, लेकिन वो एक हिस्सा है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द रियलिटी। अगर वो हुआ है तो वो बहुत दुखद है कि चाहे हमला आप कर रहे हैं चाहे पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन है दोनों एक देश के, ये दोनों तरफ से लॉ एंड ऑर्डर, चाहे पुलिस वाले खराब कर रहे हैं, चाहे मैं खराब कर रही हूँ, चाहे कोई खराब कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से गलत है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आंदोलनकारी है वो तो अपनी आवाज उठाएंगे ना। अगर पुलिस ने ये कहा है तो 26 तारीख की कॉल अभी से नहीं है, 26 तारीख की कॉल 2-3 महीने पहले से दी जा रही थी ना, तो यहाँ से भी जिम्मेदारी बनती थी, वहां से भी जिम्मेदारी बनती थी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की पुलिस कोशिश कर रही है, तो आप कह रहे थे देखिए, तो हमने कब कहा पुलिस ना सुधारे लॉ एंड ऑर्डर को? तो आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग करके अपने देशवासियों के लिए? यहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स बैठे हैं क्या? लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, कोई आतंकवादी बैठे हैं क्या यहाँ पे? इनका तो साथ दो ना, इनको बोलो कि हम आपके साथ हैं, पुलिस डराए ना साथ देने का काम करे। कभी भी एक भी इंसान यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपने नेशन से प्यार करता है। कौन सी हल्की फुल्की बैरिकेडिंग तो सामने रुकती है किसान? देखिए या देखिए किसानों से, तो किसान मतलब किसान की बात मत कीजिए अभी आप, किसान के सिर्फ ये है कि किसान ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। तो ऐसे तो हर आंदोलनकारी, जब पुलिस वो अपना ड्यूटी निभाते हैं या अपनी ड्यूटी निभाते हैं, इन लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ करनी है, उनको ऊपर से प्रेशर होता है वो काम करते हैं। किसान अपने हक के लिए जाएगा तो जो भी सामने आएगा तो प्रोटेस्ट तो करेगा ना। 2 महीने से ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा, जैसे आपने कहा, हर सब तारीफ कर रहे थे, सब फूल भी बरसाया लोगों ने, सम्मान इतना दिया, तो 26 तारीख को ऐसा क्या हो गया जो लोगों में? देखिए ऐसा नहीं है, 26 तारीख को जो हुआ वो मैं कह रही हूँ टोटली मिसगाइडेड था। वो इवेंट एक ऐसा था क्योंकि हम लोग प्रदर्शनकारी थे, हमें पता है कि एक ऐसा मूवमेंट आ गया था जब जो सरकार ने रूट दिया गया उसमें बैरिकेड्स थे, ये आपको मानना पड़ेगा, और आप पत्रकार हैं, आपने देखा था, आप वहाँ पे थे, आपने देखा था ये सारी चीज़ें कि जब वहाँ पे बैरिकेड्स है तो प्रदर्शनकारी क्या करेगा अपनी आवाज़ सुनाने के लिए? ये चीज़ तो आपको भी समझने की ज़रूरत है ना। तो वहाँ पे जिस तरीके का रुख का माहौल होता है वैसा वो करते हैं।